तो फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं शारदा माँ के दरबार में मैहर, जहाँ अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं और माँ के दरबार में मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल जी, पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी, हमारी पार्टी के पुराने अध्यक्ष राजेश दुबे जी, सतवीर मुन्ना पूर्व विधायक जी, रविंद्र यादव, दूसरे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेन पटेल जी नागौर से जो लड़ रहे हैं, वहीं अमर पाटन से अमित तिवारी और इसके साथ साथ हमारे समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव मैहर पहुंचे हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के जन समर्थन में। भीड़ जुटी हुई है और उन्हें समर्थन की अपील करते हुए अखिलेश यादव मैहर में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो पहुंचे हैं मैहर सपा प्रत्याशी के जन समर्थन में जनसभा को संबोधित करने। इन्होंने काम किया, वोट मिला, लेकिन जब कभी कभी सरकार के दबाव में बहुत सारी चीजें नहीं होती, सरकार का दबाव रहा, इन पे मुकदमे दर्ज हुए, भाई पे हुए, अन्याय जितना हो सकता था सरकार ने किया, उत्पीड़न भी हुआ, लेकिन हमें खुशी है ये प्रत्याशी घबराए नहीं है, ये प्रत्याशी मैदान में है और मौका मिला इस बार जनता को एक बार फिर। लोग हमसे पूछते हैं कि समाजवादी लोगों को क्यों वोटते हैं, आखिरकार समाजवादी पार्टी को वोट क्यों मिलना चाहिए। मैं आप सबसे कहता हूं, इतनी पवित्र धरती पर रहते हैं, आज हमें मां के दर्शन करने का मौका मिला, हम कई बार आए भैया, हमारी पार्टी का एक सम्मेलन भी हुआ और जिस समय यहां सम्मेलन हुआ हमारी पार्टी ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी, उसमें बहुत सारे समाजवादी लोगों ने मां के दर्शन किए, आज हमें भी दर्शन करने का मौका मिला। एक और साथी थे प्रदेश अध्यक्ष, हम उस समय दर्शन नहीं कर पाए किसी कारण, और जब दर्शन नहीं कर पाए तो वो विधानसभा में नहीं पहुंचे थे, उस समय हार गए। इसलिए चुनाव में समाजवादियों की क्यों मदद करेंगे आपको सोचना होगा, और हम आपसे इसलिए निवेदन करने आए हैं कि तमाम सवाल आपके सामने हैं और हम ये कह सकते हैं इस बात को कि अगर ठीक तरीके से आप आकलन करेंगे तो जो बीजेपी है वही कांग्रेस है और जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, इनके कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है। आप देखिए महंगाई, याद कीजिए उस समय जब बीजेपी के लोग इस बात को कहते थे कि हमें मौका दीजिए हम महंगाई कम कर दिखाएंगे, महंगाई पर बोल दिया। याद कीजिए 2014 जिस समय चुनाव था, महंगाई को कहा कि महंगाई कम करिए, बीजेपी ने लोगों से समझाया कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज हर चीज की महंगाई कितनी बढ़ गई है। जो पेट्रोल उस समय क्या कीमत में था, जिस तरीके से जो महंगाई कांग्रेस ने की थी उस महंगाई को कम नहीं किया, उससे ऊपर ले जाने का काम अगर किसी ने किया है पेट्रोल डीजल की कीमत, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारी माताएं बहने जानती होंगी, पिछली बार तो धोखा खा गई क्योंकि उज्ज्वला जैसी योजना चला दी, कहा कि हम गरीबों को सिलेंडर देंगे, चूल्हा देंगे, और उन्होंने वादा भी किया सिलेंडर चूल्हा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस महंगाई को कांग्रेस ने बढ़ाया था, क्या उस महंगाई से कम में सिलेंडर मिल रहा है कि आज दोगुना क्या कीमत का सिलेंडर हो गया, ये आपको सोचना होगा। अब तो 3 गुना हो गया, 1000 रुपए के करीब पहुंच गया, कहां 400 के नीचे था और आज 1000 पहुंच गया। बेरोजगारी का आंकड़ा खत्म कर देंगे हम, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। उन्होंने बीजेपी ने आरोप लगाया कांग्रेस की तब नीतियां हैं जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है,
हम पूछना चाहते हैं 4.5 साल में जो आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, बताओ कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिया? नहीं दी नौकरी आपने। जो आपने बेरोजगारी देते कांग्रेस के समय उन आंकड़ों को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। केवल मध्य प्रदेश के नौजवानों को धोखा नहीं दिया, देश के हर नौजवान का सपना तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सपना तोड़ने का काम। आज कोई उम्मीद नहीं बची। और अगर आंकड़े हम और देखें, स्वास्थ्य विभाग के अगर आंकड़े देखें, देश में सबसे ज्यादा गर्भवती माताएं बहनों की कहीं जान जा रही है तो यही मध्य प्रदेश है। देश में सबसे आगे अगर कोई प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है। नवजात शिशुओं की अगर जान जा रही कहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जा रही है अगर, तो मध्य प्रदेश में बच्चों की जान जा रही जो 5 साल पूरा नहीं कर पाते। कुपोषण की शिकायत, जिन्हें खाना पीने का इंतजाम नहीं ठीक है, खाने का इंतजाम नहीं है, ये तो हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं शहर में, लेकिन हमारे आदिवासी भाइयों के अगर आंकड़े निकालोगे, वैसे तो हर आदमी गरीब है, हर आदमी गरीब है जो कुपोषण की शिकायत से पीड़ित है, परेशान है, लेकिन अपने गरीब तो है ही, लेकिन आदिवासियों में देखो गया तो सबसे ज्यादा कुपोषण 90% गर्भवती माताएं और बच्चे कुपोषण की शिकायत है उनके अंदर। कुपोषण के लिए आप जैसे शायद किसी लोगों ने भाषण सुना हो प्रधानमंत्री का, जब गुजरात में अमूल के प्लांट का उद्घाटन किया तो कहने लगे प्रधानमंत्री के हमारे देश में बहुत कुपोषण है, हमारी माताएं बहनों का स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, जो नवजात शिशु है जो जन्म लेते हैं उनका वजन ज्यादा नहीं है। इस कुपोषण को दूर करने के लिए हम अमूल से कहेंगे कि यहां ऊंट के दूध की चॉकलेट बना दो, वही हम बांटेंगे, वही हम खिलाएंगे। हम पत्रकार साथियों से कहेंगे जरा प्रधानमंत्री जी का वो भाषण निकालना जिसमें उन्होंने कहा कि ऊंट की दूध की चॉकलेट बना करके हम कुपोषण खत्म करेंगे। बताओ मध्य प्रदेश के लोगों, यहां से तो रास्ता गुजरात का है, बताओ आप क्या ऊंट के दूध की चॉकलेट कितनी आई है और कितना कुपोषण खत्म हो गया है? किसानों ने आत्महत्या कर दी, बताओ किसान भाई बैठे होंगे खेती करने वाले लोग, वो बताइए क्या हालत है? बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे, ये जो आय दोगुनी का मामला है, कांग्रेस बीजेपी की नीतियां देखो किसानों के लिए एक ही है, जिन हालातों में कांग्रेस ने छोड़ा था किसानों को उससे हालात अगर किसी ने खराब किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों ने उनको उससे खराब स्थिति में पहुंचा दिया। आज किसान भुखमरी में है, बताओ किसान की कौन सी आय दोगुनी हो गई? क्या पैदा करे खेत में जिससे हमारा किसान खुशहाल हो जाए? कम से कम बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए, अगर है उनके पास कोई रास्ता तो बताए कि आखिरकार किसान की आय कैसे दोगुनी होगी। और अगर आंकड़े निकाले हम तो पिछले 4.5 साल में 40,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई मदद नहीं मिली किसान को। अगर आय दोगुनी हो जाती तो शायद हमारा किसान खुशहाल हो जाता, लेकिन खुशहाली के रास्ते में नहीं, जो व्यवस्था बनाई थी कांग्रेस ने उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। यहां से गांव के लोग सरपंच होंगे, कुछ वो बैठे होंगे, वो जानते होंगे, कांग्रेस की सरकार थी तो शौचालय तब भी बनते थे, बताओ शौचालय बनते थे कि नहीं बनते थे? उस समय भी शौचालय बनते थे। कांग्रेस और बीजेपी में केवल इतना फर्क है कि कांग्रेस जो शौचालय बनाती थी उसमें एक गड्ढा खुलता था और भारतीय जनता पार्टी जो शौचालय बना रही उसमें 2 गड्ढे खुद रहे हैं, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। अगर कोई फर्क हो तो बताओ हमें। शौचालय में पानी न कांग्रेस दे रही थी और न शौचालय में पानी भारतीय जनता पार्टी दे रही है, बताओ कोई दे रहा पानी? बताइए शौचालय में, ये गरीब के लिए शौचालय दे दिया 12,000 का, बताओ 12,000 पहुंचते कि नहीं पहुंचते? कोई नहीं जानता इस बात को।
शौचालय बन भी गया है तो हमारा किसान नहीं जा रहा, गरीब नहीं जा रहा। झाड़ू पकड़ लेते हैं प्रधानमंत्री दिल्ली में, बीजेपी के लोग एक से एक आगे हैं, वो भी झाड़ू जगह जगह पकड़ करके दिखाते हैं। बताओ स्वच्छता अभियान से कहां कूड़ा खत्म हो गया, कहां पर गंदगी खत्म हो गई? जब देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठा लिया हो, हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने झाड़ू उठा लिया हो, यहाँ के भी मुख्यमंत्री ने झाड़ू उठाया होगा, बताओ कूड़ा कहां खत्म हो गया? और कूड़ा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इनकी नियत साफ नहीं होगी। इनकी नियत साफ नहीं है इसलिए कूड़ा साफ नहीं हो रहा। ये कह रहे हम गरीब को घर बना देंगे, कांग्रेस के लोग देते थे 70,000 में गरीब का घर, 70,000 में देते थे इंदिरा आवास, बीजेपी वाले दे रहे हैं 1,20,000 में आवास। और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो जानते होंगे कि समाजवादी लोग दे रहे थे 3,05,000 का लोहिया आवास। और याद हो रहा आपको जिस समय नोटबंदी हुई, उस समय कई गरीब तो लाइन में लगे थे, जिन्हों पैसा निकालने गए थे उनकी जान चली गई, बड़े पैमाने पे जान गई। और हमारे क्षेत्र में जहां से चुन करके हमारी पत्नी आती है वहां पर गर्भवती मां लाइन में लगी थी और बच्चे का जन्म बैंक में हो गया था, बैंक ने और हम समाजवादियों ने उसका नाम खजानची रख दिया। और उस समय समाजवादियों की सरकार थी, समाजवादियों की सरकार थी, हमने उसको एक लोही आवास दिया। वो लोही आवास 3,05,000 का था, लेकिन बाद में सरकार हमारी बदल गई। हमने 2 साल से इंतजार किया कि शायद ही भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को शर्म आ जाए, कम से कम उस खजानची का घर बनवा देंगे जिसको हमने लोही आवास दिया था 3,05,000 का। 2 साल के इंतजार के बाद भी उन्होंने उसका घर नहीं बनाया। आखिरकार मैंने तय किया कि जिसको हमने लोही आवास दिया था, जो बैंक में पैदा हो गया था, उसका कहीं से भी हमें इंतजाम करना पड़े, हम देश के लिए एक मॉडल पेश करेंगे कि गरीब का घर हो तो ऐसा हो, वो हम 5,00,000 का उसको बनाने जा रहे हैं। और जब उसका जन्मदिन होगा अभी 8 दिसंबर को, और जब उसका जन्म होगा 8 दिसंबर को, तो हम समाजवादी लोग उसको 2 लोही आवास की तरह 5,00,000 के आवास बना करके दे रहे हैं। ये आवास ऐसा है जिसमें गरीब को 2 कमरे, किचन, बाथरूम है, शौचालय बना के दे रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं उस पर, 2 LED बल्ब, 2 पंखे फ्री, और एक स्विच बोर्ड दे रहे हैं कि मोबाइल चार्ज करना हो या टीवी चलाना हो तो गरीब चला ले, उसको बिजली का बिल देना नहीं पड़े। ऐसा हमारा गरीब का घर, खजानची का घर बन रहा है। हम देश को उदाहरण दे रहे हैं, और इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि आजादी के इतने सालों बाद भी अगर गरीब का घर नहीं बना पाए हो तो समाजवादियों ने एक उदाहरण दिया है कि देखिए गरीब का घर ऐसा होना चाहिए, और बना करके हम दिखा रहे हैं, देश देखे। और जब कभी समाजवादियों को आप मौका दोगे तो हम 5,00,000 का गरीब को आवाज देने का काम करेंगे जिससे गरीब का कम से कम घर तो बन जाए। हम तो बहुत जगह गए देश में, हम तो बहुत जगह घूमे देश में, अपने उत्तर प्रदेश में भी घूमे हैं, गरीबी है लेकिन मध्य प्रदेश में ज्यादा गरीबी है। घर नहीं बने हैं गरीबों के, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में मैंने देखा है खपरेल से घर बने हुए हैं, अभी भी घर पक्के नहीं हो पाए। इतने खपरेल के घर हमने कहीं नहीं देखे जितने मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलने। जंगल है, जमीन है, सब कुछ है, संसाधन है, और कहीं इतना सीमेंट भी नहीं बनता हुआ जितना सीमेंट बन रहा है। सोचो दूसरों के पक्के घर और जो इस जिले में रह रहे हैं उनके कच्चे घर, कैसा सीमेंट बनाने से क्या फायदा है, क्या फायदा है शिक्षा। इसलिए साथियों हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि बीजेपी कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, अगर ये फर्क समझ लेंगे आप तो गरीबों की सरकार बनना शुरू हो जाएंगी। इसलिए हम आपसे अपील और निवेदन करने आए हैं, कोई फर्क नहीं इन दोनों में। इनकी नीतियां देख लो, कार्यक्रम देखो, सिद्धांत देख लो, आज जितनी भी समस्या है उसको उलझाने का काम अगर किसी ने किया है तो पहले शुरुआत की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। दुनिया में हम बहुत पीछे चले गए देशों से, बहुत पीछे देशों से हम आज मुकाबला नहीं कर सकते।
ये बीजेपी को जो बड़ा बड़ा सपना दिखा रहे हैं लेकिन जमीन पे सच्चाई नहीं है। लेकिन एक बात तो हम महसूस कर रहे हैं कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जा रही। भारतीय जनता पार्टी को हार फेंकना चाहती है और जब बदलाव करना चाहते हो आप तो बदलाव अच्छे के लिए करिए, साइकिल के लिए करिए, आपके अपने बीच में जो प्रत्याशी है उसके लिए कीजिए, जहां मिलेगा आपको ऐसा प्रत्याशी। और फिर आप तो सब जानते हो कि अगर रोटी सेकते समय रोटी पलटी नहीं जाए तो रोटी जल जाती है। रोटी तभी अच्छी सिकती है जब बार बार रोटी को बदला जाए। मध्य प्रदेश के लोग तो कैसे हैं, कितने भोले वाले सीधे हैं। इन्होंने पहले कांग्रेस की सरकार बनाते रहे, कांग्रेस वाले रोटी गरीबों की चलाते रहे। 40-42 साल कांग्रेस ने राज किया और अब 15 साल से रोटी जला रही है भारतीय जनता पार्टी की। पहले कांग्रेस ने जलाई, एक ही सरकार बनी रही और 15 साल बीजेपी ने बना दी। तो बताओ रास्ता निकालोगे समाजवादियों के लिए कि नहीं निकालोगे? बीच से साइकिल निकालिए, यही साइकिल है जो तेज चलेगी। न डीजल न पेट्रोल किसी की जरूरत नहीं है, इसको डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं है। हम अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में गरीब माताएं बहनों को हमने समाजवादी पेंशन दी थी, गरीब माताओं बहनों को हमने पेंशन दी थी। और आप पता कर लेना, बगल में बुंदेलखंड है, कोई गरीब मां नहीं बची थी, बहन नहीं बची थी जिसको हमने समाजवादी पेंशन से नहीं जोड़ दिया। और कहीं भी अगर हमें चिट्ठी मिल गई, किसी ने शिकायत कर दी, तो उस गरीब को भी हमने समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया था। देश में इकलौती योजना चली जिसमें हम गरीब माताएं बहनों को 500 रुपया महीना देते थे। सरकार बन जाती उत्तर प्रदेश में तो 1000 रुपए दे रहे होते। हमने तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश में कहने को तो कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, लेकिन किसी ने करके नहीं दिखाया है। कथनी और करनी में जो भेद नहीं है वो केवल समाजवादी लोग हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शुरुआत करेंगे हम 2000 से समाजवादी पेंशन का। और जैसे उत्तर प्रदेश में पेंशन बढ़ती थी वैसे पेंशन यहां भी बढ़ेगी अगर अपने बच्चों को आप पढ़ाओगी, अगर अपने बच्चों को टीकाकरण कराएंगी, अपने बच्चों को सरकारी संस्थाओं में ले जाकर के उनकी सेवा करोगे तो हम 2000 से 6000 रुपए भी पेंशन देनी पड़ेगी, तो पीछे हटने वाले नहीं। किसान दुर्घटना बीमा, यहाँ उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, आपके भी जानने वाले होंगे, अगर किसान मर जाता था, अगर किसान मरता था, गरीब कोई मर जाता था एक्सीडेंट से, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती थी, तो सरकार से हम उसकी 5 लाख रुपए से मदद करते थे। कोई दुर्घटना हो जाए, किसान की जान चली जाए, तो हम सरकार से 5 लाख रुपए की मदद करते थे। हजारों किसानों की मदद की है। हमें बताओ मध्य प्रदेश में कभी किसान की मदद होती हो तो बता दो, हम मदद करेंगे। और अगर हम उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए दे रहे थे, इस बार हमने घोषणा पत्र में लिखा था 8 लाख रुपए की मदद करते। हम अपने मध्य प्रदेश के गरीबों को, किसानों को बताना चाहते हैं कि अगर हमें किसान के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी या घटना घट जाएगी या साइकिल चलाने वाले का एक्सीडेंट अगर हो जाएगा तो हमारा घोषणा पत्र पढ़ लेना। हमने कहा है कि ऐसे किसान की, ऐसे साइकिल चलाने वाले गरीब की हम 10 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। ये है हमारी योजना। और अगर इन्होंने कहीं किया हो तो बता दें, अब तो वो स्कूटी दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं जिनके नंबर आएंगे ज्यादा। अब नंबर कब आएंगे ज्यादा ये तो कोई नहीं बताएगा। और फिर स्कूटी के संग पेट्रोल नहीं दे रहे, स्कूटी चलेगी कैसे ये बताओ, हमें बताओ। इसलिए धोखा देने का काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भैया के लोग साइकिल को पहचानते हैं, साइकिल की मदद कर चुके हैं। यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में कोई नई बात नहीं है साइकिल के लिए। और आप तो हमारे पड़ोसी प्रदेश के लोग रहने वाले हैं। अभी जब मां के दरबार में गए तो 90% उत्तर प्रदेश के लोग हमें दिखाई दिए, 90% लोग थे वहां पर। तो बताओ हमारा आपका तो हर तरह का रिश्ता है। और फिर समाजवादियों का गरीब से और किसान से रिश्ता बड़ा है, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ रिश्ता है। हमारी आदिवासी भाई पार्टी में कुछ कंफ्यूजन है, राजनीति में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अभी बालाघाट था मैं परसों,
दादा बलराम जी हमारे साथ थे, अगर उनकी तबीयत नहीं खराब होती तो आज मैयर में वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गौराना गठबंधन पार्टी के हमारे साथ आते, और साथ आते तो बात साफ हो जाती, कम से कम आज आए हैं बसका जी राष्ट्रीय महासचिव गौराना गठबंधन पार्टी का। हम उनसे कहेंगे कि अगर कोई कंफ्यूजन है, हमारा आपका गठबंधन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करो और हमारे समाजवादी पार्टी के राम निवास उमड़िया जी को मदद कर करके एक एक वोट देने का था, क्योंकि आदिवासी भाई लोगों आप आबादी में ज्यादा हो लेकिन आपको हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। कोई अगर देगा आपको राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने का मौका तो यही समाजवादी लोग देंगे, इसीलिए हमने कहा है कि आबादी के हिसाब से आपकी मदद करने का काम करेंगे। इसे याद रखना कि समाजवादी लोग 5 लाख का गरीबों को घर देना चाहते हैं, किसान के साथ संकट आ जाएगा तो उसके हम 10 लाख से मदद करना चाहते हैं, ये हमारी योजनाएं हैं। किसानों का कर्ज माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया है, बीजेपी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कर्ज माफ कर देंगे, अगर वो कर्ज माफ कर सकते हैं तो समाजवादी लोग 2 कदम आगे बढ़कर किसानों का कर्ज माफ करने का करेंगे। आप मदद करिए, हम देश को नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, हमारे समाजवादियों के काम उदाहरण है, ये बताएं कि कहीं अगर इन्होंने ऐसी सड़क बनाई हो जिसमें लड़ाकू विमान उतर गए हों, कोई हमें बताए कि ऐसी सड़क बनी हो मध्य प्रदेश में 15 साल में बीजेपी सरकार में, कि जहां पर जरूरत पड़ने पर आपके एयरफोर्स के बड़े विमान उतर जाएं, एक सड़क नहीं बना पाए लेकिन समाजवादियों ने 21 महीने में 323 किलोमीटर की सड़क बना करके और ऐसी सड़क बनाई है कि अगर एयरफोर्स को जरूरत पड़े अरे लड़ाकू विमानों को उतारना पड़े तो उस सड़क पर लड़ाकू विमान उतर जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ एक भी ऐसा विमान एक भी सड़क नहीं बनी, कहीं मेट्रो नहीं बन पाई आपके यहाँ, जो शहरों की आबादी जहां है जहां यातायात कम हो सके, बड़े अस्पताल नहीं बन पाए हैं, प्रधानमंत्री तो कहते दुनिया में बहुत आगे जा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री ये बात छिपाते हैं बीजेपी के लोग कि आज हम बीमारियों में आगे जा रहे हैं, आज कैंसर ज्यादा है, लीवर की बीमारी ज्यादा है, हार्ट की बीमारी ज्यादा है, हर तरह की आंख से लेकर के और तरह की बीमारियों में सबसे आगे चला जाए, और अब तो खाने की सूची में भी हम बहुत नीचे चले गए हैं, अभी भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, जो पौष्टिक खाना मिल जाना चाहिए वो हमारे आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण ये है कि आज हम कमजोरी में और ज्यादा स्वास्थ्य खराब होने की अगर कहीं सबसे ज्यादा संख्या वाले लोग रह रहे हैं तो भारत में रह रहे हैं, ऐसी दुर्दशा अगर किसी ने बनाई है तो बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने गलत नीतियों पे देश को चला करके बनाई है। हमें उम्मीद है कि साइकिल की मदद करेंगे, इनके 2 पहिए तेज चलाएंगे, पैडल को तेज मारिए, हैंडल को हमने इनको और इनको दे दिया ये संभाले, जिससे कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी मध्यप्रदेश में दिखाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब वोट डालेंगे तो आप मैं ऐतिहासिक वोट डाल करके इनको जिताने का काम करेंगे। वहीं हम अपने गौरवाना गठबंधन पार्टी के लोग जिनसे कहेंगे कि अगर दादा की तबीयत ठीक हो जाए तो दादा को एक बार यहाँ घुमा दो तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, अगर कोई बात है तो हम करेंगे दादा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, उद्बोधन के लिए मैं सुनयन तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया अध्यक्ष जी उद्बोधन करें। इतिहास गवाह है, जब जब सरकार ने अहंकार भरी है तब तब भ्रष्टाचारी व अराजक ताकतों को परास्त करना पड़ा है, और आज ये विशाल परिवर्तन जनसभा एक परिवर्तन की मां शारदा की पावनगरी। बहुत बहुत धन्यवाद एवं बाबा उस्ताद अल्तीन खान संगीत साधक स्थली मैहर में